हेलो, आवाज़ आ रही है सभी को? हेलो, आवाज़ आ रही है क्या? ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस स्टार्ट किया था। फर्स्ट सॉल्ट लिया था स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस वाला सॉल्ट जिसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, सीएस सेवन था। सेकेंड टाइप का जो सॉल्ट था वो था वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, उसका हाइड्रोलिसिस होता था। तो चलो उस पर क्वेश्चन ले लेते हैं, देन आगे चलते हैं। फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 39 एंड 43, ट्राई करो। फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 39 एंड 43। This is first phase.
हेलो, आई एम सर। हाँ तो चलो करा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 में कैलकुलेट द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस एंड द सॉरी कैलकुलेट द परसेंटेज हाइड्रोलिसिस इन 0.06 मोलार ऑफ केसीएल। तो देखो हमें बेसिकली एच पूछता है। एच क्या था इसका याद है? इट वॉज रूट ऑफ के एच अपॉन सी या रूट ऑफ के डब्ल्यू अपॉन के ए, है ना? यही था। तो क्या होगा ये? तो दिस इज 10^-14 डिवाइड बाय के। कितना दिया है? के इज 6×10^-10 एंड 0.06। तो क्या आ गया है? ये नीचे हो गया हमारे पास 10^-14 ऊपर आया और नीचे कितना आ गया? 6×10^-12 ये आ रहा है ना? तो कितना सॉरी 6×6 ये 6 स्क्वायर हो गए, 36 हो गए। ठीक है, सो कितना आ गए? ये आ गए 0.1 डिवाइड बाय। तो क्या हो जाएगा? 0.01 6 ठीक है, ये आ जाएगा इसमें। तो देखो 0.166 ही आ रहा है। अभी अगर हम देखें तो ये हो गया एच का वैल्यू। ठीक है, तो परसेंटेज कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 1.66%। ओके, परसेंटेज के रेस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे तो ये क्या आएगा? 1.66% आएगा। क्लियर है सभी को? ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 43। तो क्वेश्चन नंबर 43 में क्या? कैलकुलेट द पीएच ऑफ 10^-3 मोलार C6H5ON। ठीक है, C6H5OH का हमें यहाँ पर क्या दिया है? K दिया है। तो ये C6H5OH और NaOH का सॉल्ट है, एनएस पे स्ट्रॉन्ग बेस है और C6H5OH का के दिया मतलब वीक एसिड है। तो पीएच निकालना है, तो पीएच क्या होगा? पीएच होता था 7 + 1/2 pKa + 1/2 log C था ना, 7 + 1/2 pKa। अब देखो pKa का वैल्यू नहीं दिया उन्होंने, Ka का वैल्यू दिया है। तो देखो K 10^-10 अप्रोक्सीमेटली है ना, अप्रोक्सीमेटली के क्या हो गया? 10^-10 हो गया ना। पीके क्या हो गया? पीके हो गया 10। ठीक है, तो लेकिन यार मैंने एक चीज बताई थी कि हम ये फॉर्मूला कब अप्लाई करते हैं? जब एच जो है वो ग्रेटर देन क्या हो, सॉरी एच जो है लेस देन 0.1 हो, है ना? तो एक बार चलो एच निकाल के देख लेते हैं एच क्या है। ऐसा आएगा रूट ऑफ के डब्ल्यू अपॉन
into c, k 10 to the power minus 10 and c हो गया 10 to the power minus 3. तो क्या है ये हमारे पास आ रहा है यार 0.1. 0.1 का रूट क्या होगा? जीरो पॉइंट वन का रूट क्या होगा? ये आएगा 0.31. तो यार 0.31 तो 0.1 से बड़ा है ना, ठीक है. तो अभी हमें फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, क्यों? क्योंकि एच जो है वो जब 0.1 से छोटा होता है तो ही हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. लेकिन यहाँ पर जो एच है वो क्या है, 0.1 से बड़ा आ रहा है, ठीक है. फिर क्या करें? तो हमने तुम्हें बताया था कि एक्स स्क्वायर अपॉन सी माइनस एक्स इज इक्वल टू के एच, जो कि क्या हो गया, के डब्ल्यू बाय के हो गया. वो अप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन सी हो गया 10 रिस्ट पावर माइनस 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू के डब्ल्यू इज 10 रिस्ट पावर माइनस 14 एंड ये है 10 रिस्ट पावर माइनस, ठीक है. अप्रोक्सीमेटली 10 रेस्ट पावर माइनस 10 हो गया वो. सो एक्स स्क्वायर अपॉन 10 रेस्ट टू पावर माइनस 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 रेस्ट टू पावर माइनस 4. क्वाड्रेटिक क्या आएगा? तो एक्स स्क्वायर प्लस 10 रेस्ट टू पावर माइनस 4 एक्स माइनस 10 रेस्ट टू पावर माइनस 7 इज इक्वल टू 0. एक्स आएगा यहाँ से माइनस 10 रेस्ट टू पावर माइनस 4 प्लस माइनस 10 रेस्ट टू पावर माइनस 8 प्लस 4 इंटू 10 रेस्ट टू पावर माइनस 7 या 40 इंटू 10 रेस्ट टू पावर माइनस डिवाइड बाय 2. तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या आ जाएगी? ऑब्वियसली ये 41 हो गया रूट के अंदर, 41 को अप्रोक्सीमेटली 40 भी लिख सकते हैं. तो क्या हो जाएगा ये? माइनस और प्लस की जगह प्लस ही लेंगे बिकॉज माइनस लेने पर वैल्यू नेगेटिव आएगी. तो 6.4 हो गया रूट वाला पार्ट एंड देन माइनस 1 किया तो ये आ गया 5.4 एंड डिवाइड बाय 2 कर दिया तो ये आ गया 2.7, ठीक है. सो वैल्यू आ रही है एक्स की 2.7 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4. 2.7 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4 जो है वो x की वैल्यू है, हम बोल सकते हैं वो x नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है. तो ये हमें मिला ओ एच नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन. ओके, ओ एच नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या आ गया? 2.7 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4 बोला. तो पी एच क्या होगा? इसको ऑब्वियसली हम लिख सकते हैं 27 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5 भी लिख सकते हैं. तो पी एच हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 27 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5 या 5 माइनस लॉग 27. 27 हो गया 3 रेज टू 3. ओके, तो ये आ गया 3 लॉग, दैट इज 5 माइनस 3 इंटू 0.48. तो कितना आ गया? 5 माइनस 5 माइनस 1.44. तो ये हो गया अपने पास 3.5. ओके, सो पी एच इज 3.56. तो पी एच क्या होगा? पी एच इज 14 माइनस 3.56, दैट इज 10.4. ओके, तो हमारे पास पी एच क्या आ रहा है? 10.44. क्लियर है सभी को? तो पहले हमें फॉर्मूला अप्लाई करना होगा एच का. अगर एच जो है 0.1 से छोटा आता है तो जनरली आता है, बट यहाँ पर इस केस में क्या नहीं आ रहा, ठीक है. तो अगर एच 0.1 से छोटा आता है तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन अगर एच 0.1 से बड़ा आया देन क्वाड्रेटिक सॉल्व करें. तो यहाँ पर हमने क्या किया है? क्वाड्रेटिक सॉल्व किया है, क्योंकि एच जो है वो हमारे पास 0.31 आ रहा,
ओके, क्वाड्रेटिक सॉल्व करके एक्स मिल गया 2.7 इंटू 10^-4, जो कि हो गया हमारे पास OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन। देन इसका माइनस लॉग लेंगे तो पीओएच आ जाएगा, पीओएच के बाद में पीएच। X हमेशा OH नेगेटिव देगा ऐसा नहीं है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के जो हमारे पास सॉल्ट होते थे वहां पर जो X था वो OH नेगेटिव लिया था। नेक्स्ट वाला जो सॉल्ट अभी हम लेने वाले हैं वहां पर X पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन होगा। हो गया सबका, अब हम चलते नेक्स्ट वाले सॉल्ट पर। तो थर्ड टाइप का सॉल्ट है अभी, ओके, सो थर्ड टाइप का सॉल्ट है। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस के जो सॉल्ट है उनके हाइड्रोलिसिस की बात करेंगे। तो जैसे एग्जांपल लेंगे तो NH4Cl स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, NH4NO3 ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का हो गया, NH4 होल ट्वाइस SO4, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस के सॉल्ट हैं। तो ये बनते कैसे हैं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस जो है वो जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर सकते हैं तब ये वाले सॉल्ट। प्लस H2O, जैसे मान लो NH4Cl की बात कर ले तो NH4Cl जो है स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया HCl, वीक बेस हो गया NaOH, NH4OH, एंड हमारे पास आ गया सॉल्ट NH4Cl प्लस H2। और देखो NH4Cl जो इसमें दो आयन है, एक NH4 पॉजिटिव आयन और दूसरा है Cl नेगेटिव आयन, ठीक है। अब NH4Cl जो है उसके दो आयन हो गए, HCl जो है स्ट्रॉन्ग से आ रहा था, HCl स्ट्रॉन्ग होता था Cl नेगेटिव क्या होगा, वीक होगा। स्ट्रॉन्ग का कॉन्जुगेट आयन या स्ट्रॉन्ग का जो आयन है वीक होता है, वीक का आयन स्ट्रॉन्ग होता है। तो NH4OH जो है वीक था उसका जो आयन NH4 पॉजिटिव वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो हमने तुम्हें लास्ट लेक्चर में बताया कि अगर सॉल्ट के आयन स्ट्रॉन्ग है तो वाटर से रिएक्शन कर ले, नो दिशा ऐसा जरूरी नहीं है। हमने तुम्हें बताया कि फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप के जो हाइड्रोक्साइड है उन्हीं में स्ट्रॉन्ग बेस आते हैं, इनके अलावा बाकी ग्रुप के जो हाइड्रोक्साइड है वो वीक बेस होते हैं, तो उनके सॉल्ट हो सकते, ठीक है। ये जो जनरल वाला ले लिया हमने NH4OH जनरल वीक बेस है जो कि हम मेनली यूज करते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे वीक बेस। तो NH4OH जो है वो वीक बेस था, तो NH4 पॉजिटिव क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। अब अगर हमारे पास NH4Cl का कॉन्सेंट्रेशन सी है, NH4 पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन भी सी होगा, Cl नेगेटिव का। तो अब NH4 पॉजिटिव जो है वो स्ट्रॉन्ग आयन है तो वो क्या करेगा, अब इसके वाटर से रिएक्ट कर लेगा, हम बोलेंगे कि हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हो जाएगा, जो कि क्या है NH4Cl प्लस H2O ये वाली रिएक्शन।
है ना, ये दोनों मिलके अभी HCl और NH4 OH, मतलब रिवर्स रिएक्शन हो जाएगी। तो लिखो फिर आगे चलते हैं। हो गया सबका? तो ये हमारे पास हो गया NH4Cl, जिसका NH4 पॉजिटिव क्या है, स्ट्रॉन्ग आयन है, तो वो क्या करेगा, वाटर से रिएक्ट। तो देखो कैसे होगा, तो NH4 पॉजिटिव प्लस H2O, तो ये जो है ये दे देगा NH4OH प्लस पॉजिटिव, दिस इज नथिंग बट NH4Cl, ठीक है। बट उसमें रिएक्ट कौन करेगा, NH4 पॉजिटिव करेगा, और ये H पॉजिटिव जो है इसका मतलब क्या है, HCl। ओके, तो हमारे पास क्या है, ये रिवर्स रिएक्शन ही है ना, जो पहले वाली रिएक्शन है उसका क्या है, रिवर्स रिएक्शन। ओके, तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होता है, इट इज रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो कितना कॉन्सेंट्रेशन था, ये हमारे पास पी आया था NH4 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन, ये 0.0 था, ठीक है। एंड जब इक्विलिब्रियम आएगा तो इसका मान लो एक्स रिएक्ट कर गया, तो ये एक्स बन गया और ये एक्स। कोई थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि सर एक्स जो वो इसने किसी कॉन्सेंट्रेशन ही होगा कि हमें, नहीं वो डिपेंड करेगा कौन सा सॉल्ट पे, तो इस वाले सॉल्ट में एक्स क्या है, एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन। ओके, नाउ यहाँ पर हाइड्रोलिसिस कॉन्स्टेंट क्या आएगा इस केस में, लास्ट केस में हाइड्रोलिसिस कॉन्स्टेंट जो है वो Kw/Ka आया था। यहाँ पर देखो क्या आता है, हाइड्रोलिसिस कॉन्स्टेंट KH इज इक्वल टू क्या होगा, ऑब्वियसली हाइड्रोलिसिस कॉन्स्टेंट मतलब जो हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन उसका इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, ये हम बोल सकते हैं जो हमने रिएक्शन लिखी है इसका कॉन्स्टेंट, इसका इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। तो क्या हो गया, ये दिस इज NH4OH कॉन्सेंट्रेशन इंटू एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय NH4 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन। अब क्या करें, इसको हम ऊपर नीचे एच पॉजिटिव सॉरी OH नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं, NH4 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय NH4 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन। तो देखो ये वाला पार्ट हो गया Kw एंड ये वाला हो गया 1/K, ठीक है। तो क्या आ गया, ये दिस इज नथिंग बट Kw/Kb। ओके, सो KH जो है वो भी क्या आ रहा है, Kw/Kb। लास्ट टाइम जो है KH क्या आया था, Kw/Ka। अच्छा, ये जो Kw/Kb है इट इज नथिंग बट, याद है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का KA/Kb में रिलेशन था ना, तो यहाँ पर Kb किसका है, Kb है यहाँ पर NH4OH का, तो Kw/Kb जो है इसको KAB तो लिख सकते हैं ना, और ये KA किसका होगा, K ऑफ NH4 पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो एक्चुअल में ये जो हाइड्रोलिसिस कॉन्स्टेंट KH है ये KAB हो सकता है ना, इसको KAB बोल सकते हैं, किसका, NH4 पॉजिटिव। हाँ, तो क्या आया, देखो KH क्या आया, तो KH जो है ये हो गया अपने पास, KH क्या है, इट इज NH4OH कॉन्सेंट्रेशन इंटू एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन अपॉन NH4 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या आ रहा है, इट इज एक्स इंटू एक्स अपॉन सी माइनस एक्स, ये हम बोल सकते हैं KH जो है ये आया एक्स स्क्वायर अपॉन सी माइनस, ठीक है। नाउ
आगे चलते हैं, पहले लिखो है। नो सुष्मिता, हेलो आवाज आ रही क्या? हेलो आवाज आ रही है? हेलो आवाज आ रही है? हेलो ओके, तो वाईफाई चला गया था बीच में, तो मैंने ग्रुप पे सेंड कर दिया अभी तक का स्लाइड, वाईफाई की वजह से डिलीट हो गया था फिर। सुष्मिता मैं बोल रहा था कि अभी 50% चैप्टर बचा हुआ है, आज 50% ही हो पाएगा। ओके लिख लिया सबने ना? तो अभी देखो हमारे पास क्या आया, अभी के एच जो है वो क्या आ गया, के एच आ गया एक्स स्क्वायर
अपॉन सी माइनस एक्स ये आया है ना, ये के एस आया था। तो हम क्या कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि इफ एक्स इज वेरी वेरी लेस देन सी देन सी माइनस एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे, ठीक है, अदरवाइज सॉल्व क्वाड्रेटिक। और ये क्या होता था, एक्स इज वेरी वेरी लेस देन सी मतलब जब एच जो है वो 0.1 से कम, एच क्या इस तरह से अल्फा ही है ना, तो क्या आएगा, तो के एच जो है ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन सी, सी माइनस एक्स को सी ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर के आगे इट इज के एच इंटू सी है ना, तो एक्स क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा रूट ऑफ के एच इंटू सी, और के एच है क्या, इट इज के डब्ल्यू अपॉन के इंटू सी, ओके सॉरी के डब्ल्यू अपॉन के बी, अभी के एच जो है के डब्ल्यू बाय के बी है, तो इंटू सी का रूट। तो ये हो गया हमारे पास एच पॉजिटिव फंक्शन, ओके। यहाँ पर x जो है वो क्या है, इट इज एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन। तो पीएच क्या आएगा, पीएच ऑब्वियसली माइनस लॉग एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन, तो ये हो गया, सो दैट इज माइनस हाफ लॉग के डब्ल्यू माइनस हाफ लॉग सी प्लस हाफ लॉग के बी। तो सब्स्टिट्यूट करके क्या आएगा, तो इट इज माइनस हाफ लॉग ऑफ 10^-14 माइनस हाफ लॉग सी एंड ये हो जाएगा माइनस हाफ पी के बी, तो ये आ गया 7 माइनस हाफ लॉग सी या 7 माइनस हाफ पी के बी माइनस हाफ लॉग, ओके। तो ये हमारे पास पीएच का फॉर्मूला हो गया, ऑब्वियसली पीएच जो है हम देख सकते हैं क्या रहा, लेस देन 7 आ रहा है, और आना भी चाहिए क्योंकि ये वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का, ठीक है, ये हम बोल सकते हैं यहाँ पर कैटायन का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो जब कैटायन का हाइड्रोलिसिस होता है तो सॉल्यूशन एसिडिक आता है। इसके अलावा एच जो है वो क्या होगा, तो एच जो है वो ऑब्वियसली रिएक्टेड डिवाइड बाय इनिशियल मतलब एक्स बाय सी, एक्स क्या है इट इज रूट ऑफ के एच इंटू सी डिवाइड बाई सी करेंगे तो क्या आ गया रूट ऑफ के एच बाई सी, या हम बोल सकते हैं एच हो गया यहाँ से के डब्ल्यू अपॉन के बी इंटू सी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। सभी को यस लक्ष्मी, ऑफलाइन में ये चैप्टर कंटिन्यू करेंगे।
तो क्वेश्चन सॉल्व करना फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 81, फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 81। अभी तक पता नहीं लक्ष्मी किस सेंटर पर पढ़ाएंगे, मोस्टली परसों तक शेड्यूल आ जाएगा सैटरडे तक।
आई आंसर तो देखो यहाँ पर एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है, तो पहले एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेते हैं, वो एच नेगेटिव निकाल लेंगे। तो अच्छा ये कैसे पता चलेगा ये इसी टाइप का एसिड सॉरी इसी टाइप का सॉल्ट है? तो देखो एनिलीन जो है ये होता है C6H5NH3, ये होता है एनिलीन, ओके। और ये वीक बेस होता है, ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा ये क्या होता है, वीक बेस, ठीक है। तो इसका हमें केबी दिया है, इसका केबी कितना दिया है, ये दिया है 4×10⁻¹, ठीक है। इसके अलावा के जो है सॉरी जो सॉल्ट है वो है हमारे पास ये C6H5NH2 और HCl का सॉल्ट है, ठीक है। जैसे NH3 और HCl का सॉल्ट है वैसे ही C6H5NH2 और HCl का सॉल्ट है, तो वो सॉल्ट ही है, ठीक है। ये सॉल्ट होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया 0.1, तो ऑब्वियसली सेम यही वाला हो गया ना हमारे पास, ठीक है। हमारे पास यहाँ कौन कौन से आयन है, एक है C6H5NH3 पॉजिटिव और दूसरा है Cl है ना, तो इसी टाइप का सॉल्ट। तो एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या आ गया, ये आ गया रूट ऑफ के डब्ल्यू अपॉन के इंटू सॉरी रूट ऑफ के डब्ल्यू अपॉन के बी इंटू सी, क्या होगा ये 10⁻¹⁴ डिवाइड बाई 4×10⁻¹⁹ एंड मल्टीप्लाई बाई 0.1, तो कि सी है। तो क्या हो गया ये, दिस इज 1/2 -8 -3 आएगा, ठीक है। तो ये एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन हो गया। ओ एच नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ओ एच नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन इज 10⁻¹⁴ अपॉन एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन। तो 10⁻¹⁴ डिवाइड बाई 10⁻³ डिवाइड बाई 2 क्या हो गया, तो आ गया 2×10⁻¹⁻, ओके। तो ये हो गया ओ एच नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर है सबको? ओके तो ये हमारे पास हो गया थर्ड टाइप का सॉल्ट। नाउ चलते हैं नेक्स्ट वाले सॉल्ट पर।
तो नेक्स्ट है हमारे पास वीक एसिड एंड वीक बेस का सॉल्ट, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, ठीक है। सो वीक एसिड एंड वीक बेस का जो सॉल्ट है बोलेंगे अभी हम, जैसे NH4CN, ये NH4OH और HCN का हो गया, ऐसे SCO NH4 या CH3CO NH4 एटसेट्रा, तो हमारे पास कुछ सॉल्ट हो गए इस टाइप के। तो टाइप के सॉल्ट बनते कैसे हैं, तो जब वीक एसिड एंड वीक बेस जो है उनका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, तो इस टाइप के सॉल्ट बनते प्लस H2 आ जाएगा। जैसे मान लो हमारे पास HCN वीक एसिड हो गया, NH4OH जो है वो वीक बेस हो गया, यहाँ पर बन गया NH4CN प्लस H2, ठीक है। तो देखो NH4CN जो है इसमें हमारे पास दो आयन, एक है NH4 पॉजिटिव आयन और दूसरा है CN नेगेटिव आयन। अब NH4 पॉजिटिव जो है ये NH4OH से आ रहा है, तो NH4OH वीक था, तो NH4 पॉजिटिव क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग आयन हो गया। सिमिलरली HCN भी वीक होता है तो CN नेगेटिव भी स्ट्रॉन्ग हो गया, तो यहाँ पर दोनों आयन जो है स्ट्रॉन्ग, ये हम बोल सकते हैं दोनों का हाइड्रोलिसिस होगा, ठीक है। इसके अलावा NH4CN का अगर कॉन्सेंट्रेशन सी है तो ये दोनों आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इस केस में दोनों आयन का हाइड्रोलिसिस होगा, तो जस्ट देख के हम नहीं बता सकते कि एसिडिक होगा सॉल्यूशन या बेसिक, बिकॉज जब पॉजिटिव आयन का हाइड्रोलिसिस होता है तो एसिडिक सॉल्यूशन होता था, जब नेगेटिव आयन का हाइड्रोलिसिस होता है तो बेसिक, लेकिन यहाँ पर तो दोनों आयन का हाइड्रोलिसिस होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन एसिडिक भी हो सकता है बेसिक, तो कैसे निकालेंगे पीएच वगैरह वो देखते हैं अभी। तो देखो दोनों आयन का हाइड्रोलिसिस कराते हैं अभी,
NH4 पॉजिटिव एंड CN नेगेटिव जो है दोनों H2O से रिएक्ट करेंगे, तो NH4 पॉजिटिव जो है वो बना लेगा NH4OH, मतलब H2O का OH जा रहा है NH4 पॉजिटिव के पास एंड H पॉजिटिव जा रहा है CN के पास, तो बना लेगा H2O, ठीक है। तो मतलब ऑब्वियसली कोई बैकवर्ड रिएक्शन नहीं हो रही है, ठीक है, इसकी बैकवर्ड रिएक्शन नहीं हो रही है। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन सी, इसका सी, ये दोनों जीरो जीरो, तो एट इक्विलिब्रियम हम बोलते हैं कि एक्स रिएक्ट कर गया, तो ये दोनों सी माइनस एक्स बचे और ये बन गए एक्स। तो अभी हाइड्रोलिसिस कॉन्स्टेंट क्या आएगा, तो KH जो है वो जाएगा NH4OH कॉन्सेंट्रेशन इंटू HCN कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय NH4 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू CN नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे H पॉजिटिव OH नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो NH4OH कॉन्सेंट्रेशन इंटू HCN कॉन्सेंट्रेशन इंटू H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय NH4 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन HCN कॉन्सेंट्रेशन इंटू H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन। तो देखो ये वाला हो गया KW, ये वाला हो गया 1/kV, डी वाला हो गया 1/kA। तो यहाँ पर KH जो है ये क्या आ गया, KH इज इक्वल टू KW अपॉन KA आ गया, ठीक है। तो वीक एसिड एंड वीक बेस के जो सॉल्ट है उनके केस में KH होता है KW अपॉन KA। तो क्या होगा ये, तो KH हो गया अभी X इंटू X अपॉन C माइनस X इंटू C माइनस X, या बोल सकते हैं X स्क्वायर अपॉन C माइनस X का होल स्क्वायर। तो क्या आया ये, तो ये हो गया X अपॉन C माइनस X इज इक्वल टू रूट ऑफ KH या रूट ऑफ KW अपॉन KA, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास x अपॉन c माइनस x, देखो फिर आगे चलते हैं। वेदांत यहाँ पर जनरली x इतना छोटा होता नहीं, क्योंकि KW अपन KA भी करते हैं तो वैल्यू थोड़ी बढ़ जाती है, ठीक है, तो वो वाली चीज नहीं करेंगे। और वैसे भी एक और चीज है कि लास्ट टाइम x जो है वो या तो H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन हो रहा था ना या OH नेगेटिव, यहाँ पर x NH4OH एंड HCN वाला कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो x निकाल के वैसे भी कोई मतलब होने वाला नहीं है, हमें तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तो वो कैसे आ सकता है वो देख।
तो अब देखो जैसे हम बता रहे थे कि एक्स निकाल के कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक्स लास्ट टाइम या तो एच पॉजिटिव होता था या वो एच नेगेटिव होता था। हमें एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन वगैरह निकालना है तो कैसे निकाले? तो यार हमें पता है कि जो एच सी एन है उसका के क्या है ना, के का एक्सप्रेशन पता है ना, तो के ऑफ एच सी एन क्या है भाई? इट इज एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू सी एन नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय एच सी एन कॉन्सेंट्रेशन, है कि नहीं? तो के इज इक्वल टू एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू सी एन नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन। तो पता है देखो यहाँ पर सी एन नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन कितना है, सी माइनस एक्स है ना, और एच सी एन कॉन्सेंट्रेशन भी पता है। ओके तो एच सी एन कॉन्सेंट्रेशन एक्स है और सी एन नेगेटिव जो है वो सी माइनस एक्स, तो सी एन नेगेटिव अपने पास सी माइनस एक्स और एच सी एन का कॉन्सेंट्रेशन है। तो यहाँ से एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या आया, ये आ गया अपने पास एक्स अपॉन सी माइनस एक्स इंटू के, यही आएगा ना। एक्स अपॉन सी माइनस एक्स देखो थोड़ी देर पहले भी निकाला हमने, कितना आया था? ये आया था रूट ऑफ के डब्ल्यू अपॉन के बी, तो रूट ऑफ के डब्ल्यू अपॉन के बी इंटू कर देते हैं के, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन, कितना आएगा ये? तो ये आएगा के डब्ल्यू इंटू के अपॉन के बी। ओके तो ये एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन हो गया। तो पी एच क्या होगी? पी एच इज माइनस लॉग ऑफ रूट ऑफ के डब्ल्यू के बाई के बी, दैट इज माइनस हाफ लॉग के डब्ल्यू माइनस हाफ लॉग के प्लस हाफ लॉग के बी। यहाँ पर 10^-14 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा 7, और माइनस लॉग के बी हो गया पी के बी, सॉरी ये के है, हाँ तो माइनस लॉग के हो गया पी के, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7+ ½ पी के माइनस हाफ पी के। तो देखो यहाँ पर पी एच जो है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करेगा, जस्ट पी के और पी के बी की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। ओके 7+ ½ पी के माइनस हाफ पी के भी, या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 7-½ ऑफ पी के माइनस पी के, ठीक है ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है, 7+ ½ ऑफ पी के माइनस पी के। तो ओके तो लिखो फिर आगे चलते हैं, मतलब यहाँ पर 7 से ऊपर भी पी एच जा सकती है नीचे भी, क्यों? क्योंकि पी के बी की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, पी एच ग्रेटर 7 भी हो सकती है और लेस देन 7।
रीजन डिपेंड करेगा ना वो के और केबी की वैल्यू पर, हम बोल सकते हैं पीके और पीकेबी की वैल्यू। ठीक है, तो चलो वो भी बता देते हैं। तो देखो अगर इफ के ग्रेटर एन के बी, ठीक है, जो हमारे पास वीक एसिड है उसका के वीक बेस के बी से बड़ा है, तो एक्चुअली यहाँ पर क्या हो जाता है फिर पी के लेस देन पी के बी हो जाता है। ठीक है, तो अगर ऐसा हुआ तो पी एच जो है, मतलब पी के छोटा हो गया पी के बी बड़ा हो गया, तो पी एच नेगेटिव में चला जाएगा, हम बोल सकते हैं 7 हो जाएगा। तो क्या हुआ, एसिडिक। ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन एसिडिक होगा इफ के इज लेस देन के बी, यहीं से ही पता चल जाएगा एक्चुअली, यही वाले पार्ट से पता चल जाएगा, के बड़ा है तो एसिड, के बी बड़ा है तो बेसिक। ठीक है, बाकी इधर से भी देख सकते हो, तो इफ के इज लेस देन के बी देन पी के इज ग्रेटर देन पी के बी, पी के जो है पी के बी से बड़ा हो गया। अगर ऐसा है तो फिर पी एच जो है सब्स्टिट्यूट करके देखोगे तो 7 से बड़ा आएगा, मतलब सॉल्यूशन क्या आएगा, बेसिक आएगा। और अगर के और के बी का वैल्यू सेम है तो के और के बी सेम है तो पी के और पी के बी जो है वो सेम हो गया, तो पी एच जो है फिर क्या हो जाएगा, 7, मतलब बेसिक। तो पता है ये जो हमारे पास सॉल्ट होता है ना CH3CONH4, CH3CONH4, इसका पीएच 7 होता है। क्यों? क्योंकि CH3COH का जो के है ना उतनी ही वैल्यू NH4OH के केबी की भी। ओके, तो CH3COONH4 का पीएच 7 होता है, हम बोल सकते हैं न्यूट्रल होता है। बट न्यूट्रल होने का रीजन क्या है, के और केबी का वैल्यू। ओके, तो ये हमने बता दिया कि पीएच 7 हो गया, लेस देन 7। इसके अलावा अब देखो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कैसे निकालें, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जो है वो ये क्या है, इट इज रिएक्टेड अपॉन इनिशियल, ये हम बोल सकते हैं एक्स हो गया अपने पास सी एच। अब देखो थोड़ी देर पहले हमने बताया कि एक्स अपॉन सी माइनस एक्स जो है ये अपने पास क्या है, इट इज रूट ऑफ के डब्ल्यू अपॉन के बी। तो एक्स को अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये आ गया सी एच अपॉन सी माइनस सी एच, तो सी एच अपॉन सी माइनस सी एच इज इक्वल टू रूट ऑफ के डब्ल्यू अपॉन के बी। तो देखो सी यहाँ पर कॉमन लेके क्या हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आएगा ये, दिस इज एच अपॉन 1 माइनस एच इज इक्वल टू रूट ऑफ के डब्ल्यू अपॉन के। ओके, तो इस फॉर्मूला से हम क्या निकाल सकते हैं, एच निकाल सकते, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिस। क्लियर है सभी को? ठीक है, सो नाउ क्वेश्चन सॉल्व करो। इसके बाद फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 77।
आई एम सर। तो देखो हमारे पास यहाँ पर वीक एसिड है और वीक बेस है, दोनों का कोई सॉल्ट है, तो दोनों का के के भी दिया है ना, तो हमें बताना है परसेंटेज हाइड्रोलिसिस, मतलब बेसिकली डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ही बताना है। एच अपॉन वन माइनस एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू, दैट इज 10^-14 डिवाइड बाई के के बी, तो के और के बी का वैल्यू सेम है। ओके okay, तो क्या है ये हमारे पास आ जाएगा 1/3, तो दिस इज 3H इज इक्वल टू 1 - H, या 4H इज इक्वल टू 1, तो H क्या आ गया, H आ गया 1/4 जो कि हो गया 0.25, तो H की वैल्यू 0.25 है, मतलब 20% हाइड्रोलाइज। ओके जो हाइड्रोलिसिस है वो कितना परसेंट हो जाएगा, 20% हो जाएगा। क्लियर है? सो आज का लेक्चर फिर हम यहीं पे एंड करेंगे। तो हमने चार टाइप के सॉल्ट जो है उनका हाइड्रोलिसिस कर लिया है, ठीक है, मेनली ये चार टाइप के सॉल्ट होते हैं। इसके अलावा पॉलीबेसिक एसिड के सॉल्ट और होते हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब स्टार्ट करेंगे ऑफलाइन में कोई भी सर, तो उनसे बोलिएगा कि चार टाइप के सॉल्ट हो गए एंड पॉलीबेसिक एसिड वाले जो सॉल्ट है, वीक पॉलीबेसिक एसिड के जो सॉल्ट है वो भी बताए, ठीक है। तो होमवर्क नोट कर लो। होमवर्क में फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव में 61 टू 68, देन 71 टू 75, ये फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव में होगा, एंड इन फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव 35 to 38, 39 करा दिए हमने ऑलरेडी। इसके अलावा 41 42 46 एंड 47, ठीक है। तो ये होमवर्क रहेगा। लेक्चर यहीं पर एंड करेंगे। यस सर, ऑफलाइन में ऑब्वियसली बैच मर्ज किए जाएंगे, पर्टिकुलर सेंटर के बैच मर्ज किए जाएंगे एडवांस वाले। यस, तो चार टाइप के जो सॉल्ट हैं उनका हाइड्रोलिसिस हो गया, वो ऑब्वियसली तुम्हें ऑफलाइन लेक्चर के टाइम बताना है कि ये चार टाइप के सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस हो गया है। बाकी पॉलीबेसिक एसिड के सॉल्ट अभी आते हैं, तो उनका हाइड्रोलिसिस बचा हुआ है। वीक पॉलीबेसिक एसिड के जो सॉल्ट है उनका हाइड्रोलिसिस बचा है। ओके, देन उसके बाद वेपर सॉल्यूशन वगैरह आएगा। तो लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। बाय, टेक केयर। कुछ लोगों से ऑब्वियसली हम ऑफलाइन में मिलेंगे, कुछ से नहीं मिलेंगे, तो पढ़ाई अच्छे से करते रहो, ठीक है। बाय, टेक केयर।